Welcome in RCI Education Hub online class. Dear students, we are discuss about the colligative properties of solution. इसमें अपना second properties है elevation in boiling point. Elevation in boiling point. सबसे पहले आपको किस term को समझना है कि what is the boiling point, right? कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर उसका वेपर प्रेशर, इसकी बात कर रहे हैं पर बेटा वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी बात हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर आपका कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर के इक्वल हो जाता है। दैट मींस अपन एग्जांपल लें इसका वाटर का, राइट वाटर का एग्जांपल लें तो आप सब जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस क्या होगा, एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, दैट इज द टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर होगी सबकी, क्या है बॉइलिंग पॉइंट एट दैट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, अब अपनी जो प्रॉपर्टीज है उस पे अपन यहाँ पर मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज में कंडीशन क्या है वो आप देखिए, कंडीशन क्या है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, इसकी बात हो रही है आपकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, देन क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। इसका रीजन अपन पहले क्लियर कर चुके हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो इस वेपर प्रेशर को अपन को कहां पे कनेक्ट करना है, बॉइलिंग पॉइंट पे, कहां पे करना है बॉइलिंग पॉइंट पे। समझिए आपके पास में ये वाला स्केल क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। क्लियर, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, और अपने पास में सपोज ये वाटर है, यहां पर इसका इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर है। क्लियर, अब अपन को जो बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है, क्या नोट करना है आपका बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है, वो यहां से यहां तक अपन पहुंचेंगे तब जाके अपने पास में क्या आएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर क्या हो गया यहां पर आपका प्योर सॉल्वेंट, क्या हो गया बेटा ये प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया, वाटर का प्रेशर आपका इस वाले पॉइंट पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इस वाले पॉइंट पे है, वाटर यहां पर किस तरह ट्रीट कर रहा है आपका प्योर सॉल्वेंट की तरह। अपने पास में यहां तक पहुंचने के लिए अपन को इतना टेम्परेचर अपन को देना होगा तब जाके इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर, अब कंडीशन क्या है आपकी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जैसे ही अपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको क्या कर दिया डिजॉल्व कर दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया और कम हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। तो अपने पास में यहां तक पहुंचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। क्लियर, दोबारा समझो इसको, ये आपका वाटर है जो तो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट की तरह, इसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे है,
अब एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए अपन को यहां पर कितना टेम्परेचर इसको देना होगा। सपोज ये टेम्परेचर हो गया आपका कौन सा टीबी नोट, कौन सा हो गया बेटा ये टीबी नोट। जैसे कंडीशन क्या अपने पास में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया तो अब इसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना होगा। उस टेम्परेचर को अपन कहेंगे टीबी, कहेंगे बेटा उसको टीबी। तो टीबी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है। अब इन दोनों में से आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नोट, आया ना, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नोट। क्लियर हो गया कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इसका सॉल्यूशन का ज्यादा है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम देंगे बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अब आपको ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा, इस पूरी की पूरी थ्योरी को मैं करूंगा ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा। इसके बिटवीन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन अपने यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वही आपका प्योर सॉल्वेंट होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। इसी कंप्लीट डायग्राम को अपन यहां पर क्या करेंगे, ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, यही चीज आपकी ग्राफ में कई बार आपका ग्राफ एग्जाम में पूछा गया है। ड्रॉ द ग्राफ फॉर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीनिंग समझते होंगे आप, इंक्रीज होना। एलिवेशन का मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज होना। हाउस कंडीशन में आपका इंक्रीज होने क्या, मैंने रीजन आपको क्लियर कर दिया है। इसमें भी कोई डाउट है तो उसको आप ग्राफ से क्लियर कर सकते हो। देखिए अपने पास में ये आपकी जो लाइन है ये किसकी है बेटा, वही एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या है यहां पर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। यहां पर क्या होगा आपका टेम्परेचर, क्या होगा यहां पर टेम्परेचर। बात क्लियर है। और यहां पर क्या होगा आपका वेपर प्रेशर, क्या होगा बेटा वेपर प्रेशर। क्लियर। अब आपका कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, सपोज ये आपका कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, इसको अपन ने ले लिया ए। क्लियर। अब इसको यहां पर इसका वेपर प्रेशर है, देखो आप इस वाले पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर है। क्लियर। अब इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तभी तो क्या आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब क्लियर हो रहा होगा आपका कि कोई भी आपका गिवन कंपाउंड है, चाहे वो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, तब उसका वेपर प्रेशर किससे इक्वल होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका ए कोई भी क्या है, प्योर सॉल्वेंट, क्या है बेटा ये प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे है अपने पास में ए पॉइंट। अब इसको कहां पहुंचना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पर। अब अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो सपोज अपन इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अपना ग्राफ आपका इस वाले पॉइंट पे मिला, ये जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर आपका कौन सा होगा, इसको अपन कहेंगे टीबी नॉट। क्या कहेंगे बेटा इसको, टीबी नॉट। अब जैसे कंडीशन क्या है आपके इस केस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। डिक्रीज है तो वेपर प्रेशर इससे ज्यादा है, कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा, तो कहीं आपका सपोज इस पॉइंट पे है। क्लियर। या वो कौन सा पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को कहां पहुंचना है, इस वाली लाइन पे,
मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो देखो अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका इंक्रीज करते 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 अपन कहां पहुंच गए, इस वाले लाइन क्लियर। और इसका इस टेम्परेचर पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, टीबी। क्या आएगी बेटा इसकी, टीबी। क्लियर दिख रहा होगा सबको। तो ये वाला जो केस है आपका, बात कर सकते हैं ए के लिए अपन लिख सकते हैं यहां पर, ये वाली लाइन आपकी क्या है, अब क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट, क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट। और ये वाला केस हो गया किसका, सॉल्यूशन। अब आप खुद ग्राफ देख के बता सकते हो कि टेम्परेचर आपका किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, सॉल्यूशन का। और इसी केस को अपन नाम देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम देंगे इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का डिफरेंस जो होगा उसी को अपन कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको लिखेंगे अपन डेल्टा टीबी, इसको डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा बेटा, टीबी माइनस टीबी नॉट। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हायर माइनस लोअर, टीबी माइनस टीबी नॉट। बात क्लियर होगी, जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या नाम देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको अपन किससे लिखेंगे, डेल्टा टीबी। वैल्यू क्या आएगी आपकी, टीबी माइनस टीबी नॉट। आई होप आपको ग्राफ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।